आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ महाराज की पूजा अर्चना, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर टेका मत्था बुधवार को कुशीनगर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 20 अक्टूबर को कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, तैयारियों की समीक्षा। कहा, 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कुशीनगर को देंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात, मेडिकल कॉलेज का रखेंगे आधारशिला, विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। सदर सांसद रवि किशन के पहल पर अब आशा कार्यकर्त्रियों को मानदेय मिलने की जगी उम्मीद। सदर सांसद रवि किशन ने कहा, आशा बहनों की मांग पर मुख्यमंत्री ने जताई है सहमति, एक सप्ताह के भीतर हो सकती है मानदेय की घोषणा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों की समीक्षा बैठक। मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगावा एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में लगाया गया एक दिवसीय वृहद रोजगार मेला। 2176 अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 814 को मिला नियुक्ति पत्र। 19 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का सदर सांसद ने किया शुभारंभ। जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, अब रहेगा गांव मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त, संचारी रोगों का होगा सफाया। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 170 केंद्रों पर 22,050 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। प्रथम डोज लेने वालों में 9,452 और दूसरी डोज लेने वालों में 12,598 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। ईद मिलाद उल नबी यानी बरफात पर मुस्लिम समाज द्वारा मंगलवार को महानगर के विभिन्न मोहल्लों से निकला जुलूस ए मोहम्मदी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया गया याद, शांति अमन का दिया गया संदेश। एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, आम जनता के सहयोग से जुलूस हुआ सकुशल संपन्न। SBI के ऋण मेला का सदर सांसद रवि किशन ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। 261 ग्राहकों में 12.12 करोड़ के ऋण स्वीकृति पत्र का किया वितरण। कहा, SBI के ऋण से मनाए त्योहार तथा खूब चलाएं योनो ऐप। और डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव स्मृति सेवा प्रकल्प के तत्वाधान में मंगलवार को आयोजित हुआ निःशुल्क चिकित्सा शिविर। करीब 750 मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दिया गया चिकित्सीय परामर्श और निःशुल्क दवाएं, ऑपरेशन की भी फ्री सुविधा रही उपलब्ध।